अस्सलामुअलैकुम जी, ये आप जीफा और गुजरांवाला का फेसबुक लाइव देख रहे हैं और ये बराह रास्त मनाजिर हैं पीटीआई की रैली के, जो कि गुजरांवाला में यास्मीन राशिद की क़यादत से जो है वो निकाली जा रही है। और यह पुलिस का यहाँ डाला देख सकते हैं कि वो पहुँच गया है, चूँकि निगरान गवर्नमेंट है, उनके एक इशारा उन्होंने किया है और कारदान जो हैं वो बिल्कुल उनकी मानते हुए फौरी तौर पर साइड पे हो गए हैं। और रैली ने अब थोड़ी सी पेस पकड़ ली है। पुलिस के आने के बाद रैली ने पेस पकड़ ली है। शुरका की एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कि इस रैली में शरीक है, गो के फ्लोट अभी काफ़ी पीछे है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो फ्लोट की जो इस रैली की क्यादत कर रही हैं और वो फ्लोट पर मौजूद हैं। उसके अलावा गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क्यादत है वो मौजूद है। जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जो इस रैली की क़यादत कर रही हैं और ये रैली सुपर एशिया फैक्ट्री जो है उसके सामने से निकली है और अभी ये रैली कंगनी वाला बाईपास पे पहुंची है। एक्सपेक्ट नहीं था, ऐसा सच किया जा रहा कि लोग इतनी बड़ी तादाद में जो हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे, क्योंकि पहले भी मुकामी क़यादत तहरीक इंसाफ की अपने तई जो है वो रैलियां निकालती रहती है, लेकिन ऐसा जितना क्राउड इतना हजूम नहीं, वो इतना क्राउड नहीं वो पुल कर पाते। लेकिन आज शायद इस ये चीज़ डिफरेंट है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, वो इसको लीड कर रही हैं। शायद ये एक अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हमें क्राउड जो है वो देखने में आ रहा है। सुपर एशिया के मुकाम से शुरू हुई है और इसे डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो लीड कर रही हैं और ये रैली अभी जो है कंगनी वाला के मुकाम पर पहुंची है। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है और ख़ासूसी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। हाल तो के इस रैली को लीड जो है वो एक फ़ीमेल कर रही हैं, लेकिन उस फीमेल को भी पीटीआई में आयरन वुमन फौलादी खातून कहा जाता है। ये वही डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं जिन्होंने 25 मई को भी, जब गवर्नमेंट दूसरे वाली टीम की अपनी जा चुकी थी, इन्होंने पुलिस के जबरो तशद्दुद का सामना किया था और सिर्फ इनको ना सिर्फ इनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी बल्कि इनको बाकायदा तौर पर इनके साथ दस्त दराजी की गई थी और इन्हें खींच कर गाड़ी से बाहर निकाला गया था।
अपने टेन्योर में ये डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं ये वज़ीर सेहत भी रही हैं। वो अलहदा बात है कि जो सेहत से मुंसलिक जो हैं अफराद, जिनमें डॉक्टर्स, वाईडीए और दीगर डिफरेंट जो हैं इस तरह के इदारे, वो इनसे इतना खुश नहीं रहे, लेकिन ये अपनी जगह बराजमान रही हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो इस रैली को सिक्योर कर रही है। इसमें मैं एक चीज़ की दुरुस्तगी करना चाहूँगा
पीटीए की क़यादत की तरफ से ये बताया गया था, क्योंकि सुबह इन सदाते दहशत गर्दी की अदालत में इमरान खान पर कातलाना हमला केस की जो समाअत थी उसके लिए हर बार हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो यहाँ पर आई होती हैं, तो आज भी वो आई थी। तो यही ख्याल किया जा रहा था कि वो इस रैली को भी लीड करेंगी, लेकिन फ्लोर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद सरदस्त नज़र नहीं आ रही, तो जिस बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये मेन फ्लोर है जिस पर पीएचए के जो अहदेदार भी रहे हैं अपने एरा में शबीर में वो मौजूद हैं, उसके अलावा टिकट होल्डर मोहम्मद अली चौधरी मोहम्मद अली वो मौजूद हैं। पीटीआई की फ़ीमेल विंग में ही उसके अलावा लॉयर्स विंग में भी ये लीडिंग रोल पर हैं शकीला राणा वो मौजूद हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये फ्लोट और जो रैली है ये आपस में इनकी कोई शायद बोल चाल नहीं है या क्या सीन है कि बिल्कुल फ्लोट पीछे रह चुका है, रैली जो है वो काफ़ी आगे जो है वो निकल चुकी है। ये आप देख सकते हैं शकीला राणा मौजूद हैं, शबीर महर मौजूद हैं, चौधरी मोहम्मद अली मौजूद हैं, जिसको मेन फ्लोट कंसिडर किया जा रहा था वो पीछे ही रह गया। आप ये देख सकते हैं यास्मीन राशिद की फ़ोटो भी बाकायदा तौर पर मौजूद है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद ही इस रैली में मौजूद नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र आई है हमें कि इसमें ये जो फ्लैक्स पे आपको लीडरान नज़र आ रहे हैं इसमें सिर्फ अली अशरफ मुगल अभी तक हमें नज़र आए हैं, खालिद अली लोन, तारिक गुज्जर, रिजवान अकरम भट्ट, लाला आजम अल्लाह पापा ये हमें कहीं पे भी मौजूद नज़र नहीं आए।